सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। मैं हाँ निरूप जलवान। चंडीगढ़ पुलिस नूं एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे दो गुर्गियां नूं गिरफ्तार किया गया, जो दीपक बनूड़ दे कहण दे उत्ते एक्सट्रोशन जबरन वसूली करते सीगे। SP मिलुदुल मेरे नाल मौजूद ने। सर, लगातार ये कहिए कि तुसीं एक बड़ा जो है वसूली गैंग जो है गिरफ्तार किया। ये हाँ, 18 जुलाई को हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दीपू बनूड़ का नेटवर्क है जो कि एक्टिव है और कोशिश करता है कि लोगों से जो है अवैध वसूली करे ताकि ये अपने गैंग को सस्टेन कर सकें। तो इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया है चंडीगढ़ की ऑपरेशन सेल ने। पहला है रवि बनूड़, जो कि दीपक बनूड़ का फैमिली मेंबर है, और दूसरा है सोम दत्त। इन दोनों को गिरफ्तार करने पर जो ट्रेल हमें मिली है वो ये है कि ऑलमोस्ट 25 to 27 लाख रुपीज़ लास्ट 6 मंथ्स में इन लोगों ने गैदर किए हैं और अपने गैंग्स को सस्टेन करने में उसको यूज़ किया है। टोटल डॉक्यूमेंट्री ट्रेल के अलावा जो हमारा एस्टिमेटेड है और जिसमें हमें इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है वो है ऑलमोस्ट 45 to 50 लाख रुपीज़ इन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में छः महीने विच कलेक्ट किए हैं। और कलेक्ट करने के बाद जो रवि बनूड़ है वो दीपू बनूड़ के इशारों पर ही उस मनी को फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। ये चीज़ बाहर आने के बाद में हमने जब इन पर रेड करी है तो 2 लाख रुपीज़ का कैश और 3 पिस्टल और 9 लाइव कार्ट्रिजेस अलॉन्ग विद 2 व्हीकल्स हमने बरामद किए हैं और इन दोनों को गिरफ्तार किया। सवाल ये आ जाता है कि ये वसूली दे लई टारगेट किवें सैट करते सी, किस किस बंदियां दे उत्ते जे ये टारगेट करते सी, की किना किना तो वसूली हो चुकी है। जो मनी लैंडिंग का काम करते हैं कुछ लोग इलीगल काम करते हैं गैम्बलिंग का, तो इन लोगों को ये लोग टारगेट किया करते थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया है कि कुछ लोग जो चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पे जीरकपुर में या किसी एरिया में कहीं अगर गैम्बलिंग की एक्टिविटी में शामिल हैं तो ये उन्हें डरा धमका करके उनसे मंथली जो है कैश लिया करते थे। कैश तो लेंदे सीगे, तो होर भी कोई साधन सीगा, क्योंकि ये कैश तुसी क्या वक् वक् खात्यां दे विचकार डिपॉजिट भी कराया गया, ये जो वक् वक् खाते ने एक किस किस दे ने? ये खातों में से कुछ जो हैं वो दीपू बनूड़ के फैमिली मेंबर्स के खाते हैं, कुछ हमें पता लगा है कि जो गैंग मेंबर्स हैं उनके भी खाते हैं। तो ये हम अभी इन्वेस्टिगेशन में आगे देख रहे हैं कि अल्टीमेट जो यूज़ जो है मनी का वो लास्ट बेनिफिशरीज कौन है, उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे और लेकर के आएंगे। सर, क्योंकि NIA दे वल्लों कहा गया गैंगस्टर्स जो अतवादी गतिविधियां वाले लोग हैं उन्हां दी जे प्रॉपर्टी है वो नाल ही अटैच की जाएगी, तक इस मामले के विचकार भी जो है इस मामले में क्योंकि प्रोसीड्स जो हैं वो इलीगल हैं, एक्सट्रॉशन के थ्रू इन्होंने यूज़ किया है सस्टेन करने के लिए, तो हम पता करेंगे कि इस पैसे का यूज़ करके क्या कहीं दीपू बनूड़ या इनकी फैमिली ने या गैंग मेंबर्स ने कहीं पर प्रॉपर्टी भी ली है क्या। अगर इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी आएगी तो हम उसको भी अटैच करेंगे, एंड एक्चुअली वी आर एक्टिवली सर्चिंग एंड कैटेगराइजिंग एंड कैटालॉगिंग सच प्रॉपर्टी। बहुत धन्यवाद है तुहाडे नाल। SP अमृदुल सी जो दस रहे सी कि इन गतिविधियां दे उत्ते नज़र रखते हुए जो ऑपरेशन सैल ने जो है एक वड्डी कामयाबी जो है वो हासिल की, इस दे नाल ही 2 लाख रुपए के करीब जो है कैश बरामद किया गया है, 2 to 3 जो है देसी कट्टे बरामद किए, 9 जिंदा कारतूस बरामद किए। लेकिन सब तो वड्डी गल है कि दीपू बनूड़ दे कहण दे उत्ते पटियाला जेल दे विचकार बंद दीपू बनूड़ नू मिलण दे लई जांदा सी रवि, जो कि उसका कज़न हैगा, उत्थे जांदा सी, उन्हां नाल मुलाकात हुंदी सी, वो दसदा सी किस नू जो है धमकी देनी है, जिसको वसूली करनी है, उस तो बाद एक गैंग जो है पूरी तरह दे नाल काम करदा सी। लेकिन हुण एक गैंग दे दोनों आरोपी जो 34 साल दे रवि ते सोमदत्त ने वो पिछे ने सलाखा पिछे, तो सब तो वड्डी गल है हुण इन्हां नूं जो है रिमांड दे उत्ते लेकर होर भी पूछ कीती जाएगी और दस्या जाएगा कि आखिर ये जे 45 to 50 लाख का जे कैश है ये जो वसूल किया गया सी वो किस ते एंड तक पहुँचता है। कैमरामैन दीपक दे नाल निरूप जलवान, दैनिक सवेरा TV।